हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं सीबीएसई क्लास टेंथ का थर्ड चैप्टर का पार्ट फर्स्ट, जो कि फर्स्ट फ्लाइट से है। वो है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसके राइटर हैं लैम ऑफ फ्लैहर्टी। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को जनरल बातें बता दूं कि ये जो चैप्टर है ये एक ऐसे बर्ड के बारे में है जिसका नाम होता है सीगल। सीगल क्या है? समुद्र के आसपास पाया जाने वाला एक पक्षी है। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, एक मिनट। ये रहा डायग्राम। तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि जो बर्ड है वो बैठा हुआ है और जो दूसरे सारे बर्ड हैं वो उड़ गए हैं। तो इस स्टोरी में होता क्या है, जो बर्ड है वो उड़ने से डरता है। उसके मम्मी पापा, उसके भाई बहन खूब समझाते हैं, लेकिन वो इस वाली बात को नहीं समझता। उसे ऐसा लगता है कि जैसे ही मैं उड़ूँगा तो मेरे जो छोटे छोटे पंख हैं वो सपोर्ट नहीं करेंगे और मैं पानी में गिर जाऊँगा। तो अब हम इस स्टोरी में डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या वो उड़ान भर पाता है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। ठीक है, यहाँ पर ये जो यहाँ पर सीगल है वो अकेला था लेज पे। अब यहाँ पर लेज का मतलब क्या है? अ नैरो हॉरिजॉन्टल सेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल और अ क्लिफ। जैसे आप लोगों को यहाँ पर माउंटेन का जो कोर होता है उसे कहा गया है यहाँ पर लेज। जैसे देखते हैं आप लोग, छोटे छोटे पहाड़ के टुकड़े होते हैं, वो यहाँ पर उसका जो किनारा होता है उसी को कहा गया है लेज। आगे की ओर जो आप लोगों को दिख रहा होगा हॉरिजॉन्टल में, वही होता है लेज। तो वहाँ पर बता रहा है कि हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे। उसके जो दो भाई और एक सिस्टर, ठीक है, तो तीनों भाई बहन हुए, तो उनके जो दो भाई और एक सिस्टर थे, बहन थी, वो क्या किए, वो एक दिन पहले ही उड़ गए उससे उन्हें छोड़ करके, क्योंकि वो उड़ना नहीं चाहते थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, क्योंकि वो उड़ने से डरते थे। सीगल, यंग सीगल जो थे वो डरने से डरता था उड़ने से। समहाउ व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स ही बिकेम अफ्रेड। अब क्या हुआ कि वो कुछ ही देर बाद वहाँ पर लेज पर आया, किनारे आया, पहाड़ के मतलब कि माउंटेन के कोर पर आया, और वहाँ से वो देखता है अपने अपने विंग्स को, अपने पंख को, कि वो देखते इसे डर जाता है, क्योंकि उसको गहराई से वहाँ पर देखता है, तो वहाँ पर उसको देखने से डर जाता है। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन माइल्स डाउन। जब वो नीचे देखता है तो वहाँ पर उसको दिखाई देता है बहुत ही गहराई में जो पानी है वो बह रहे होते हैं, समुद्र आपको उसको दिखाई देता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, वो और अफ्रेड हो जाता है, डर जाता है। ही फेल्ट सर्टेन दैट ही हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। तो जब भी वो पहाड़ से नीचे देखता है समुद्र में तो वो डर जाता है, तो क्या करता है, वो ऐसा सोचता है कि मेरे जो पंख है वो सपोर्ट नहीं करेंगे उड़ने के लिए, तो वो क्या होता है, वापस जहाँ पर वो रात को सोता है लेज के पास, वहाँ पर वो उसके नीचे आ जाता है। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन रन टू द ब्रिंक फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड फ्लू अवे। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंग व्हिच अपीयर टू हिम सो डिस्परेट। अब वो ऐसा सोच रहा है कि उसके जो दो भाई हैं और वो उनकी छोटी बहन जो है वो उड़ गए, क्योंकि जबकि उनका उनका जो पंख थे वो उनसे छोटे थे और यंग सीगल से छोटे थे, फिर भी जो यंग सीगल है वो नहीं उड़ पाए, उनके दोनों भाई और बहन जो है वो उड़ गए। ठीक है, हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली अनब्रेडिंग हिम थ्रिटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे। अब क्या हुआ था कि उनके जो माता पिता थे वो उनके पास आते थे और उन्हें अपने जैसे यंग सीगल को समझाते थे कि उन्हें डांटते थे कि तुम उड़ना क्यों नहीं चाहती हो, ठीक है, उड़ो, उसमें कोई भी तुमको डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उसका जो हर्ट था वो अलाउ नहीं कर रहा था। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, उसका वो जो है उड़ना नहीं चाहती। That was 24 hours ago. Since then, nobody had come near him. क्या हुआ कि 24 घंटे हो गए लेकिन उसके पास अभी तक कोई नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके भाई बहन माता पिता कोई नहीं आया। The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for peace. अब वो जैसे ही सुबह होता है
तो वहाँ पर वो देखता है अपने माता पिता को कि उसके जो भाई बहन हैं वो उनको फ्लाइंग करना सिखा रहे हैं, उड़ना सिखा रहे हैं और उड़ना सिखा रहे हैं और किस तरह से फिश को वो कैच करते हैं, पकड़ते हैं, वो सिखा रहे हैं उनको, सभी तरह की चीज़ों सिखा रहे हैं। ठीक है, ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेयरिंग एंड डेवर इट स्टैंडिंग ऑन अ रॉक व्हाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल। ठीक है, यहाँ पर वो बता रहा है कि जैसे ही वो यहाँ पर वो देखता है अपने भाई को तो वहाँ पर जोर से हल्ला करता, मतलब कि हल्ला करके बुलाता है, लेकिन फिर भी लेकिन जबकि क्या होता है कि वहाँ पर उसका आवाज़ को कोई सुन नहीं पाता। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिड वे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कॉर्डाइस। ठीक है, जैसे फिर वहाँ पर सुबह होता है तो उसके पूरे जो फैमिली होते हैं वो फिर प्लेट्यू के सामने निकलने के लिए घूमने के लिए निकलते हैं, जो कि उसके जस्ट अपोजिट होता है, जैसे यंग सीगुल के जस्ट अपोजिट में हुआ होता है। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ ही फेल्ट दैट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल। अब जब आप जैसे उसको सूरज ढल रहे थे, ठीक है, तो वो जो किनारा था वहीं पर वो खड़ा था दक्षिण की तरफ। ही फेल्ट दैट ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल। अब वो उसको भूख लग चुका होता है क्योंकि पिछले रातों से उसने कुछ खाया नहीं है। ही स्टेप स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग ही क्लोज्ड वन आई देन द अदर एंड प्रटेंड टू बी फॉलिंग अस्लीप। अब क्या करता है वो वहाँ पर वो क्या करता है, धीरे धीरे लेज के पास माउंटेन के कोर के पास आता है, किनारे के पास आता है और वहाँ पर क्या करता है अपने एक पैर पर दूसरे पैर को रख करके वहाँ पर खड़ा हो जाता है पंख फैलाकर। ठीक है, अब स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। फिर भी वहाँ पर क्या होता है कि वो उसको कोई नोटिस नहीं करता। ही सो हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेट्यू डोजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स। अब क्या होता है वो जो है अपने दो भाई और उसकी सिस्टर के साथ प्लेट्यू पर क्या होता है लाई कर रहा होता है, तो क्या करता है वहाँ पर जो उसका गर्दन है उस तरफ वो घुमाता है, लेकिन फिर भी कोई भी उससे देखता नहीं। हिज फादर वॉज प्रिनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक। ठीक है, उसके पिता जो होते हैं वो फीदर्स अपने उजले कलर के जो होते हैं वाइट बैक वो अपने फीदर को दिखाते हैं। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम। केवल उनकी जो मम्मी मतलब कि मदर होती है, माँ होती है, वो उसको बस देखती है, कोई नहीं, सब उनको इग्नोर करते हैं, ब्रदर सिस्टर एंड और फादर, बस एक मम्मी होती है जो उसे देखते हैं। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई जंप ऑन द प्लेट्यू हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड। अब क्या होती है उसकी मम्मी जो होती है वो कहाँ पर खड़ी होती है, हाई हम प्लेट्यू के हाई हम पर खड़ी होती है और उसका जो ध्यान है वो किसके ऊपर है, वो सीगल के ऊपर है। ठीक है, नाउ एंड अगेन सी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड इट साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। अब फिर दोबारा से क्या होता है कि वो एक फिश का जो टुकड़ा होता है, ठीक है, फिश का जो टुकड़ा होता है पीस का यानी मछली का एक पीस जो है वो अपने पैर पर लेके घूम रही होती है, तो वहाँ पर क्या होता है पहाड़ी के पास जाती है। द साइट ऑफ द फूड मेडेंड हिम। और जैसे ही उसकी मम्मी जो है वो मछली का टुकड़ा जो है वो मछली का एक पीस हाथ में अपने पैरों पर लेके घूमती है, तो वो जो सीगल है जो पहाड़ी के कोर पे खड़ा हुआ है बैठा हुआ है वो क्या होता है उस फूड को जैसे ही देखता है तो उसको पागलों जैसी हो जाती है। यानी उसको तो उसने तो कुछ खाया नहीं है दो दिन से, तो भला जो भी नहीं खाया हुआ होता है तो उसको जब खाना मिलेगा तो किस तरह से वो ये पड़ेगा, आप लोग जानते ही होंगे। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे स्क्रैपिंग हिज बिक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। अब क्या होता है वो इसको फूड देने के लिए तरसती है उसकी मम्मी। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। ठीक है, वहाँ पर वो अब गा 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 करके नहीं बुला रही है, चिल्ला रही है कि उसको भोजन चाहिए, उसको खाना चाहिए। गाकुला सी स्क्रीम्ड बैक डिसिवली। ठीक है, गाकुला वहाँ पर उसको चाहिए यानी वो भोजन। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर अ मिनट और सी ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वॉज फ्लोइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट। अब क्या होता है उसकी मम्मी जो है वो एक मछली लेके आती है उसके साथ अपने पिक करके अपने पैरों पे लेकर के आती है वहाँ पर उसके साथ अक्रॉस करके वहाँ पर यानी सीगल के पास पहुँचती है। ही लीन्ड आउट
ही लीन्ड आउट ईगरली टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज सी फ्लू अक्रॉस। ठीक है, वहाँ पर वह पहुँचती है अपने पैरों पर लेकर के, और जहाँ पर नियरर टू हर एज सी फ्लू अक्रॉस, जहाँ पर वो सीगल जो है वहाँ पर बैठा बैठा हुआ है वहाँ पर पहाड़ के कोर पर, तो वो उससे उससे थोड़ा सा दूरी पे वहाँ पर आ चुकी है उसकी मम्मी। बट व्हेन सी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम सी हल्टेड हर विंग्स मोशनलेस द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक। अब जैसे ही वहाँ पर उसकी मम्मी जो है वो पहाड़ जैसे माउंटेन के ठीक अपोजिट वहाँ पर खड़ी हुई है थोड़ी सी दूरी पे, तो उसका उसके जो पंख है यंग सीगल का जो पंख है वो फरफरा रहे हैं, वो क्योंकि वो उस भोजन को उस मछली को खाना चाहता है। ठीक है, ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज वंडरिंग व्हाई सी डिड नॉट कम नियरर एंड देन मैडेंड बाय हंगर ही अराइव्ड एट द फिश। अब क्या होता है वहाँ पर वो वेट कर रहा होता है कि कैसे ये मम्मी मेरी नज़दीक आएगी और मैं वहाँ पर वो फूड खाऊंगा। विथ अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस देन अ मॉन्स्टर टेरर साइज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल ही कुड हियर नथिंग बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स देन अंडर हिज स्टोमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। ठीक है, तो जिस तरह से उसकी मम्मी जो है वहाँ पर वो फूड के लिए करती है, तो उसकी मम्मी ने क्या करती है, एक चाल चलती है कि ऐसे तो ये आने वाला है नहीं, उड़ने वाला है नहीं, तो इसको फूड के बहाने यानी मछली के बहाने ही इसको उड़ाया जाए। तो क्या करती है, जिस तरह से वो उसके उसके पास पहुँचती है मछली लेकर के, तो थोड़ी सी दूरी पर होती है, तो उसको वो जानती है कि सीगल को जो है वो फूड के लिए उसको रहाने जाएगा, तो धीरे धीरे करके वो आगे की तरफ आ रहा होता है, और जैसे ही वो आगे आता है एट लास्ट मोमेंट वहाँ पर यानी पहाड़ के कोर को जब छोड़ देता है, तो अचानक से क्या होता है कि वो हवा में उड़ने लगता है। ठीक है, द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स देन अंडर हिज स्टोमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स। अब वहाँ पर वो बोल रहा है सीगल जो उसका जो उसके जो पंख हैं वो अब हवा को काट रहे हैं। ठीक है, हवा में उड़ रहा है। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ। अब वो क्या कर रहा था, कोई भी उसको डर नहीं रहा था, उसको तो मजा आ रहा था। ही वॉज सोडिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। ठीक है, वहाँ पर क्या हुआ था कि नीचे की तरफ तो जा रहा था लेकिन वो आगे की तरफ बढ़ रहा था, इसका मतलब वो उड़ना सीख रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसे कोई डर नहीं है। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डीजी देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स गा 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 गाकोला। ठीक है, अब वहाँ पर वो उड़ रहा है, उसको मजा आ रहा है उड़ने में, और वहाँ पर क्या कर रहा है वो उड़ने के साथ साथ गाना भी गा रहा है। हिज मदर स्वूप्ड फास्ट हिम। ठीक है, उसकी जो मम्मी होती है उसे क्या करती है वहाँ पर उसे मोटिवेट करती है कि उड़ो उड़ो अब वो तो अच्छा उड़ रहे हो। तो हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, उसके जो पंख हैं वो फरफरा रहे हैं, तो वो आवाज़ के साथ बहुत ही अच्छे साउंड के साथ क्या कर रही है वहाँ पर उसके पंख आवाज़ कर रहे हैं। ही एंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग। क्या होता है कि जब उसके मम्मी उसके साथ उसको लेके उड़ रही होती है, तो अचानक से क्या आते हैं उसके पापा भी आते हैं, उन्हें वो भी सपोर्ट करते हैं अपने सीगल को उड़ाने में। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग। क्या होता है कि धीरे धीरे करके सारे उसके जो फैमिली हैं वो सारे आ जाते हैं, मम्मी पापा भाई बहन सब आ जाते हैं और उन्हें सपोर्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। अब क्या करता है वो सब कुछ भूल जाता है कि मैं कैसे हमेशा उड़ने से डरता था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व श्रीकिंग श्रीली। ठीक है, अब वहाँ पर वो खुद को डिमांड करता है कि किस तरह से मैं यहाँ पर डर रहा था, ऐसे मुझे नहीं करना चाहिए था। ही वॉज नियर द सी नाउ फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनथ हिम विथ लिटिल रीजेस मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न्ड हिज बिग फ्लोटिंग अहेड ऑफ हिम। ठीक है, उसके जो वहाँ पर अब वो नज़दीकी किनारे समुद्र के किनारे पहुँच चुका है, तो उसका जो उड़ने का जो वहाँ पर फेस कर रहा था वो ओशियन समुद्र के सामने वो पहुँच चुका था, जिसका क्या था वास्ट ग्रीन सी यानी हरा हरा कलर का समुद्र था उसके नीचे, वहाँ पर वो फ्लो अप कर रहा था। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोटिंग अहेड ऑफ हिम। अब वो उसके माता पिता भाई बहन जो है वो उनके साथ साथ वो ग्रीन फ्लोटिंग यानी ओशियन के ऊपर वहाँ पर क्या कर रहे हैं लैंड कर रहे हैं। दे वर बिकॉनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी हिज लेग्स स्कैन इन टू इट
सही है, इस ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स। ठीक है, उस वो जो है वो दोबारा से क्या करता है, वहाँ पर वो अपने 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 जो उसका पंख होते हैं वो अब वहाँ पर ग्रीन सी पर डालता है, स्टैंड कराता है। राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर एंड ही कुड नॉट राइज। क्या होता है बाद में वो थक जाता है अब करते करते उड़ते उड़ते, एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज हिज फिट सैंक इन टू द ग्रीन सी एंड देन हिज बेली टच्ड इट एंड ही सैंक नो फर्दर। ठीक है, अब वो धीरे धीरे करके वहाँ पर वो आ रहा है, वहाँ पर माउंटेन को टच कर रहा है और वहाँ पर फर्दर क्या होता है कि मूवमेंट होने लगता है। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वहाँ पर वो क्या करता है फ्लोट करता है। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम एंड देयर बिग्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, क्या हुआ कि वहाँ पर वो जैसे ही लैंड की तो उसने वहाँ उसके माता पिता ने उसे फिश को कैच करना सिखाया, पकड़ना सिखाया। तो जैसा कि आप लोगों को इस चैप्टर में पता चला है कि ऐसा जो पक्षी था जिसको उड़ने से डर लग रहा था, किस तरह से उसके मम्मी ने यानी मदर ने उसे उड़ने के लिए उसकी उसके लिए विचार उसका जो आइडिया है उसकी माँ की वो कैसे सफल हुआ। तो इसी तरह से जो है ये जो यंग सीगल थी उसका जो है पहली उड़ान हो गई। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। जल्द मिलूँगा आपसे इसके सेकंड पार्ट द ब्लैक एरोप्लेन के साथ। वीडियो पे बने रहिएगा, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।